चरितमानस में देखा, रामकथा में देखा, काग भुसुंडी के पूर्व जन्म में गुरुदेव भगवान के दिए मंत्र के बल पर शिष्य साधना करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रकट कर लेता है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ आते हैं, गुरु का अपमान करके चला जाता है शिवजी के पास। उसके बाद शिवजी क्या करते हैं, शिवजी ने घोर श्राप दे दिया। बताओ, इतनी साधना करके भगवान प्रकट किया, महादेव सोचा होगा आज तो काम बन गया, भले कोई खूब परिश्रम करके अपने घर में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बुला लेवे, बड़ा परिश्रम किया पूरी जिंदगी और आ गए, सोचा आज तो जिंदगी बन गई। और कोई मामला ऐसा खुल गया कि वहीं पर हिसाब किताब पक्का फांसी हो गया लगा दिया। बोला हे भगवान, तो हमारे पूर्वांचल में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं आपके यहां पर कि पूत मांगे गैली भतार देके आई गई। बेटा मांगने गए थे, पति भी चला गया साथ में, बेटा तो मिला ही नहीं। इन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रकट कर लिया, पर मिला क्या? बोला जा 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण कर। पर गुरु का स्वभाव कैसा होता है, काक भुसुंडी जी गुरु के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। बोला एक सूल मोहि बिसरत नाही, एक सूल मोहि बिसरत नाही, गुरु कर कोमल सील सुभाव। एक सूल मोहे, एक ऐसा सूल है जो मेरे भीतर हमेशा गड़ता रहता है। मैं प्रसन्न तो हूं तो इस कौए के भी शरीर में, क्योंकि मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन एक सूल कांटे की तरह मेरे छाती को बार बार भेदती है। क्या न गुरु कर कोमल सील स्वभाव, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। एक सूल मोहि बिसरत नाही, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। इसके ये तो ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक को डाउन करिए थोड़ा सा और, हाँ हल्का हल्का है। गुरु कर कोमल सील स्वभाव, एक सूल मोहि बिसरत नाही। क्यों? नमामि समीशान, किसने पढ़ा? कब उत्पत्ति हुई इसकी? आज हुआ जब वही शिष्य भगवान के प्राकट्य के अवसर पर गुरु का अपमान करके चला जाता है और महादेव श्राप दे देते हैं जो वरदान देने आए थे। तब गुरुदेव जाके भिड़ गए कि भाई हमारा चेला है, आप काहे दे रहे? अरे महादेव बोले हम तुम्हारे कारण तो दे रहे हैं गुरुजी, तुम्हारा ही अपमान करके आया है। बोला हमारा निजी मामला है, माफ कर दीजिए, हमारा बच्चा है, गलती हो गई होगी। इसी पर काक भुसुंडी कहते हैं एक सूल मोहे बिसरत नाही, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। मैंने तो अपमान कर दिया उनका, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर के पास नमामि समीशान निर्वाण रूपम कहके उस अभिशाप को भी वरदान बनवा दिया कि ठीक है, वरदान हट तो नहीं सकता, हमारे अभिशाप हट तो नहीं सकते, जन्म मृत्यु तो इसकी होगी, पर इसे दुख नहीं होगा, क्षण क्षण बदलता जाएगा, एक एक क्षण में एक एक योनि बदलती जाएगी। वो तो कौए का शरीर उनको पसंद आ गया हरि कथा करने के लिए, इसलिए बोले हम इसी में रहेंगे। तो काक भुसुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी बस मैं रोज इसी बात पर रोता रहता हूं और गुरुदेव को याद करता रहता हूं कि अरे इतना अमंगल करने पर, इतना अपमान करने पर तो पत्नी डिवोर्स देके चली जाए, बेटा उठ के बेगूसराय में 10,000 पेंशन के लिए गोली मार गया अपने बाप को, रिश्ते तार तार हो जाते हैं, पर पारे गुरुदेव सरकार अपमान करने पर भी भगवान भोलेनाथ से जो भिड़ जाए अपने शिष्य के लिए वही गुरु हो सकते हैं।
बोला मेरा बच्चा है, कुछ हो गया होगा, छोड़ दो, क्षमा कर दो। गुरु कर कोमल सील स्वभाव।